रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाइपास। वॉइस ऑफ एशियंस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और बहुत ही मजेदार खबरें पूरे वर्ल्ड से हम आपको दिखा सके। लुधियाना में बीते 31 दिसंबर की रात को पुलिस के द्वारा कथित रूप से एक वकील के साथ की गई मारपीट का आरोप लगाकर जिला बार एसोसिएशन ने वकीलों की एक टीम के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस बारे आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट विकास भामरी, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना की तरफ से। डिपार्टमेंट का नाम बाकी सारे पुलिस वाले इन्ने हेल्पिंग ने लोगों की मदद करते हैं, पर ये जो काम इत्थे हो रहा है ये असि पुलिस वाले इत्थे इस वास्ते साडी टैक्स की कमाई नहीं लेंदे कि सानू ही कुटन, तो ये काम ये हुण बिल्कुल गलत कर रहे ने जिदी रिकॉर्डिंग बन गई है। जे उस दिन कितने मौके की रिकॉर्डिंग पत्रकार ना करते, थाने च ले जाके कुटते हो, चपेड़ा मारते हो, की करता है नथिंग। इस वास्ते सारी वकील फिटरिटी वालों बींग एज ए वाइस प्रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीएशन मैं गुजारिश करूंगा कि पांच केशन की जाए। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। मेरा अमनप्रीत सिंह सेखों एडवोकेट है जी। मैं लास्ट 12 साल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाने में प्रैक्टिस कर रहा एज ए क्रिमिनल सिविल लॉयर दोनों जी। मैं 31 दिसंबर की रात को अपने फैमिली नाल, ब्रदर नाल, कजन्स नाल लोधी क्लब तो दो तीन घंटे बतीत करके मलकीत सिंह नाइट देख के घर जा रहे थे। असं ब्रदर को छड्डन उत्थे असी आइसक्रीम स्टूडियो के मूहरे चले थे। इन्होंने उत्थे नाकाबंदी की हुई थी पुलिस वाले ने जी, ड्यूटी नंबर 5 दे सके जी, होर ऑफिशियल भी सी। ड्यूटी नंबर 5 का SHO जतेंद्र कुमार तो आपके साथियों नाल उत्थे खड़े सी, तो इन्होंने सानू उत्थे रोकया। असी बकायदा इन्हां दी गल मान के उत्थे आपकी कार रोकी आराम नाल। इन्हें पहले साढ़े टायर के डंडे, मेरा ब्रदर पिछे बैठा होया सीगा, इन्हें डंडे मारे तो ब्रदर के लत्त ते डंडा वज्जिया जी। मेरा ब्रदर उहदे नाल इन्हें कहा भी क्यों सानू मार रहे हैं, भी बाहर आ रहे हैं, तैनू सारा कुछ चेक करावांगे, कागज पत्तर कहने दिखाओ। असीं दिखाण लगे, इन्हें डंडा मारे भी तू बाहर आ। इहदे जो इन्हें आर्गू की भी क्यों मार रहे हो, भी वाई यू मिस हैंडलिंग मी, भी क्यों कहने। इन्हें क्या दस्सिया जी मैं ह्यूमन राइट का मैं प्रेजिडेंट हाँ, मैं क्या भी मैं भी एडवोकेट, कहने थोड़े दोनों की एडवोकेसी कर दें तेरी ह्यूमन राइट की, तेनों जे 50 देखे तेरे वर्गे ह्यूमन राइट। फड़ के इन्होंने जतेंद्र चोपड़ा जी ने मेरे ब्रदर नूं गले तो फड़ के पूरा झोरिया कुटिया उत्थे मारिया, तो बाद च इन्होंने मेरे ब्रदर नूं गड्डी विच इउं सिट्टिया जिवें कोई गैंगस्टर होवे, सिट के इन्होंने गड्डी दे विच इहनूं कुटमार की, मुक्के मारे मूँह ते सिर ते मुक्के मारे। थाने जाके फिर इन्होंने इन्हू मुक्के ते मैडिकल भी कराया, उहदे विच ब्रूजिज आए ने जी इन्हां दे। हाँ जी, असी 10 तरीक नूं DCP कमिश्नर को मिलन आए, कमिश्नर साहब मिलन आए सी, पर कमिश्नर साहब उस दिन हाई कोर्ट गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट गए हुए सी। फिर असी DCP साहब अश्विनी कपूर जी नूं मिले सीगे जी। अश्विनी कपूर जी ने आश्वासन दवाया सी मैं CP साहब दी नॉलेज विच लैके आऊंगा, कोई भी थोड़े नाल धक्का होया उहदा थोड़ा पूरा इंसाफ दवावांगे, ते SHO साहब दे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो उह वी करांगे, थोड़ा जिहड़ा झूठा परचा उह कैंसल करांगे। मैं निर्मलजीत सिंह अपने, मैं एक बिजनेसमैन हां, ते मेरे ब्रदर ये अमनप्रीत सिंह ये एडवोकेट ने, असी दोनों लोधी क्लब तो आ रहे सीगे, तीन जने सी असी, असी लोधी क्लब तो इंजॉय करके आ रहे सीगे, फैमिली नाल सीगे अपनी साडे, ते उत्थों मलकीत सिंह नाइट तो असी 12 बजे आए हैं। 12 बजे तो बाद असी अपने घर मॉल टाउन जा रहे सीगे, रास्ते विच नाका लग्गिया सीगा, नाके विच इन्होंने सानू रोकिया, ते अपने 5 नंबर डिवीजन जतेंद्र चोपड़ा जी ने ते रोकिया, ते मैं पिछे पिया होया सीगा, ते मैनू कहिंदे बाहर निकल तू, मैं कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं पिया होया। इन्होंने मेरे डंडा मारे लाते, डंडा मारन तो बाद मैं कल्प के बाहर निकलिया, मैं कहा तुसीं मेरे डंडा क्यों मारिया वा, कहिंदे बाला बोलना, चल इहनू परे कर, मेरा कॉलर कूलर फड़ लिया। मैं कहा यू कांट टच मी, मैं कहा तुसीं गल जिहड़ी गल करनी गल करो, कहिंदे बाला बोलना, मैं कहा मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हाँ जी, मैं कहा आत्मनगर तो मैं ह्यूमन राइट का प्रेजिडेंट हाँ, ह्यूमन राइट कौंसल का। तो इन्होंने कहा जी ह्यूमन राइट कढ़ दे, 35 तेरे वर्गे ह्यूमन राइट देखे ने, ह्यूमन राइट कढ़ दे। इन्होंने मेरे धक्का मुक्की की, मुक्के मारे, फिर मैंने कार च कहते कार सिट के लैके चलो, कार सिट के मैंने बहुत कुटिया इन्होंने, मैंने कुटमार की, तो CP साहब ने फोटो भी दी मेरे सट्टा वजी हुई ने, तो फिर थाने जाके भी मैंने कुटिया इन्होंने, तो झूठा परचा पाता भी असी कार विच बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, हालांकि असी लोधी क्लब तो आए थे, साढ़े कोई गिलास नहीं फड़े गया, कोई ड्रिंक उत्थे मौके से असी कोई ड्रिंक नहीं कर रहे थे। मेरी मूवी बकायदा आई हुई है, डेली पोस्ट वाले ने मेरी मूवी बनाई, करके मैं सेव हो गया। इन्होंने मेरे से एलीगेशन लाया, मैं आर्गू गलत कर रहा था, मैं आर्गू राइट कर रहा था, पूरी डेली पोस्ट तुसीं चेक करो, उहदे उपर देखो मेरी आर्गूमेंट गलत है कि सही है। हाँ जी,
हरजोत सिंह हरीके वाइस प्रेजिडेंट बार एसोसिएशन लुधियाना। ये जो दुर्घटना हुई है 31 तरीक दिसंबर नू, ये बहुत दुखदाई हुई है। जिथे के पुलिस तो असी ऐं तबक्को करदे आ कि साडे लई इंसाफ ते सपोर्ट करेगी, उत्थे साडे अरगे जिहड़े वकील ने जिहड़े रात नू अपने घरे जा रहे उन्हां नू गड्डियां चो कढ के कुटिया। ये रात वाकया होया, उस दिन तो बाद उन्हां दा मैडिकल होया। मैडिकल दे दौरान उन्हां दे सिर ते सट्टां लगियां ने, घसुण मुक्की दियां, मूंह ते लगियां ने ते लत्तां ते लगियां ने। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦਣ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕੀਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਡੀਸੀਪੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ। SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ SHO ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਆਰ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जनवरी के महीने में जन्मी हुई बच्चियों को लुधियाना के श्री कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट और मंदिर कमेटी की तरफ से लोहड़ी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आइए दिखाते हैं इस बारे में वॉइस ऑफ एशियन से विकास भामरी की लुधियाना से एक रिपोर्ट। नवजन्मी लड़कियों की लोहड़ी मनाकर उनके माता पिता को सम्मानित किया जाता है। हमें उम्मीद है आगे असी पिछले 5 साल तो इत्थे कृष्णा सनातन धर्म सभा और कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल लोहड़ी धियां दी मना रहे हैं। पहले ऐसे 5 बच्चे जिहड़े जनवरी च पैदा हुंदे हैं, लड़कियां, नवजात लड़कियां साडे हॉस्पिटल दियां, उन्हां दे मां प्यो नूं नवाजिया जांदा है, उन्हां दे नाम दी लोहड़ी मना के उन्हां दे मां प्यो नूं उत्साहित किया जांदा है कि अज लड़की पैदा हुई है तो देखो असी उहदी लोहड़ी मना रहे हैं। एक सोसाइटी दे विच बहुत बड़ा साइन जांदा है कि सानू लड़कियां दे भी सारे त्यौहार उदां ही मनाने चाहिए हैं जिदा असी लड़कियां दे मनाने हैं। तो इस करके पिछले 5 साल तो श्री कृष्णा सनातन धर्म सभा मॉडल टाउन ये उपराला कर रही है और असी नाल एक हॉस्पिटल का एनुअल फंक्शन भी रखते हैं। अज का जिहड़ा फंक्शन है ये असी NABH CFI की एक्रेडिशन प्राप्त की है। पंजाब दे विच पहला चैरिटेबल हॉस्पिटल है कृष्णा जिन्हों एक्रीडिशन मिली है। ये इन्फेक्शन कंट्रोल और प्लस डे टू डे वर्किंग सिस्टम बहुत इंप्रूव होंदा है। ये 150 बेडेड हॉस्पिटल है, इत्थे 2 मॉड्यूलर ओटी हैं और नाल 32 डॉक्टर हैं, 228 इंप्लॉई हैं और रोज़ की 500 से 600 मरीजों की OPD है। तो इस करके हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है। 50 रुपये सिर्फ असी OPD दे चार्जेस रखे हैं जिदे नाल असी सोसाइटी दी एक सफरिंग मैनकाइंड दी सेवा कर रहे हैं। इस सिस्टम दे नाल हॉस्पिटल चल रहा है। 1952 दे विच इस मंदिर दे परिसर च एक छोटी जी डिस्पेंसरी बनी सी जिहड़ी अज 150 बेडेड हॉस्पिटल दे रूप च सोसाइटी दी सेवा कर रही है। धन्यवाद। एक टिब्बा रोड दे उपर अर्बन हैल्थ सेंटर कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल दे नाम दे नाल एक ब्रांच शुरू कीती है जिहड़ी कि उत्थे उस इलाके च भी सेवा मुहैया करा रही है। हाले सारे दाखले इत्थे हो रहे हैं, हौली हौली उसनू भी फुल फ्लैश्ड हॉस्पिटल बनाने का इरादा है। हॉस्पिटल ने हॉस्पिटल की बैक के उपर मॉडल टाउन से एक 250 वर्ग गज का प्लॉट भी लिया जिसे कि अगों नवा सारा सिस्टम लैब होर चीज़ा बनन गया। अराउंड द कलॉक साढ़े को लैब है, अराउंड द कलॉक ब्लड बैंक है,
ते इस ढंग दे नाल ए सेवा कीती जा रही है। धन्यवाद। मरीजों की जान बचाने के लिए हमेशा डीएमसी नई नई तकनीकों को सामने लाता आ रहा है। हाल ही में डीएमसी की एक खास सीएमई के दौरान इसका उद्घाटन किया प्रबंधकीय कमेटी के सचिव प्रेम कुमार गुप्ता ने, और फिर यूरोलॉजी विभाग और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग की तरफ से कुछ नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। आइए वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से दिखाते हैं विकास भामरी की एक खास रिपोर्ट। Mr. Abhishek Sharma, Manager DM, and our PROs, Mr. Deepak and Mr. Chako. Now I request Mr. Madan, please around. Department of Neurology, Nephrology and Transplants. Dr. Vandri is not here, but academics, Dr. Raju Singh Jina, medical superintendents, Dr. Sandeep Sharma, assistant dean academics, Dr. Ma, and co-chairperson Vikas Sarkar, distinguished faculty, dear colleagues, staff member and delegates. We thank you all for coming together here, sharing their valuable time on this occasion. On behalf, extend a hearty vote of thanks to all of you for gracing this CME. I have pleasant duty of presenting a vote of dynamic secretary Mr. Prem Gupta ji, who is an empowering soul of DMCH and is chief architect of this modern institute. He has keen interest and has been very supportive to our proposals and ventures. Thank you a lot, sir. I must mention our deep sense of appreciation to Dr. Manoj Sopti, Dr. Ritpal Singh, member DMC, and Punjab Medical Council for accrediting this CME with 4 CME hours. This occasion, and at the same time, Professor Ashish Sharma for his valuable support and help in bringing all the faculty together. Roto team who accepted our invitation for conducting this CME in collaboration with the Roto PGI Chandigarh. At the same time, Rajinder Kaur for participating on this event. Nice travel, long day, and I really highly appreciate the presence of Dr. Sood here from Jalandhar. So I would like to acknowledge to all market support and thankful to all of them. अज का जो ऑर्गन डोनेशन कैंप सैमीनार होया वास्ते डीएमसी विच ऑलरेडी असी किडनी का कॉर्निया का लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। असी पंजाब गवर्नमेंट नूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट की है कि ये लाज है सिंपल किए जाए कि बहुत लोगों की जरूरत हैगी। इस टाइम लखों लोग बैठे वेटिंग दे विच जो किडनी चाहिए किसी अखा चाहिए, कोई बंदा कार्डवर जो डैथ हो जाती है वह भी कई लोगों की जान बचा सकता। उधर से कुछ लोगों का माइंड सैट नहीं होया, उन्होंने वैसे मीडिया की जरूरत है या प्रेस की जरूरत है कि मोटिवेट किया जाए। जो उन्होंने फैमिली मैंबर है वो अज भी फील करते हैं कि अखा देती अगला जन्म थानू बगैर अखा तो मिलेगा। वो जो फीलिंग है वो थानू चेंज करनी पेगी सोसायटी के बीच, वो कारण काफ़ी लोगों नहीं लाइफ मिल सकती है। आज के जो हमारी मीटिंग है उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो कैडबरी का ऑर्गन डोनेशन है उसको बढ़ावा मिले, क्योंकि पंजाब बहुत ही पीछे है। अगर हम साउथ में देखें, तमिलनाडु, रेस्ट ऑफ द जो हमारा कंट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा कैडबरी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। और इसमें जैसे सर ने कहा कि जो लॉज हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैडबर करें और जो लिविंग रिलेटेड हम कर रहे हैं वो कम करें और कैडबर को ज़्यादा करें। और अवेयरनेस के लिए ज़्यादा है कि अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए कि ये इसमें कोई ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। और हमें ये उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से लोगों को अवेयरनेस भी आएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा कैडवर्क करने में सफल होंगे। लुधियाना के दीप हॉस्पिटल में भी अब ओपीडी में लिवर और गैस्ट्रिक की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। इस बारे में अस्पताल की एक विशेष
प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए दिखाते हैं आपको हमारे वॉइस ऑफ एशियंस के विकास भामरी के सौजन्य से। पैंक्रियास गॉलब्लैडर ये जिहड़ी डिजीज़ है ये साड़ी सोसाइटी बहुत ज़्यादा है, वो हर किसी पास ज़्यादा है, पूरी कंट्री च ज़्यादा है, पर साड़े इत्थे पंजाब च कुछ चीज़ा है जिहड़ियां बहुत बाकी स्टेट्स नालों ज़्यादा है। उन्हां चों सब नालों पहला आउंदी है लीवर दीआं प्रॉब्लम्स। लीवर दे विच थो सब पता ही होना है, खबर है कि हैपेटाइटिस पॉपुलेशन हैपेटाइटिस सी है। इसी तरह डॉक्टर चावला क्या करते थे कि पर कैपिटा कंजप्शन जी अल्कोहल की है बठिंडा जिले सब ज्यादा और पंजाबी अपने वैसे जो थोड़े मस्ती रहने वाले बंदे नॉर्मल नाम ज्यादा होंगे। ये सब चीजों मिला के और तीजा हो गया फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब बीमारियां एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आती हैं, वो भी लिवर को डैमेज करती हैं, फैटी लिवर करके लिवर सिरोसिस। सो लिवर की प्रॉब्लम सारे असी सारे इंडिया च भी देखिए, पेट के हिसाब नाल देखो जिन्हें लाइफ स्टाइल का चेंजिस है जिमें रिफ्लक्स एसिडिटी जी प्रॉब्लम है वो तो एक चीज है, पर कुछ चीज़ा जो ज़्यादा हाईलाइट हो गई पंजाब चो कि गेहूं की एलर्जी, सीलिएक डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस ये पंजाब करके कुछ ऐसे कंटेमिनेशन हो गया, कुछ ऐसा होया कि एलर्जी ज़्यादा हो गई सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज तुम नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा देखते हो या वेस्ट थोड़ा बहुत है, साउथ से ईस्ट तो एग्जिस्ट नहीं करती। हर तरह की फैसिलिटी होती है अवेलेबल है। सो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है और एक डीप हॉस्पिटल, एक पास का अरेंजमेंट सा होगा कि असी बेस्ट केयर डॉक्टर्स की और केयर की इतने प्रोवाइड कर सकें, जिसे बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली रिजल्ट उस पर आने लॉन्ग टर्म के। इसलिए और आपस अपना लिंक बना के रखा कि ऐसी जगह आए पेशेंट देख पा रहे कुछ चीज इंसीडेंस वही है कि जो लो फाइबर लेंगे ज्यादा होंगे, असं देख रहे हैं पिछले 10-20 साल कोलन कैंसर ओवरऑल इंडिया बढ़ रहे हैं जो पहले होंगे नहीं, और दूसरा रेड मीट कंजम्पशन ज्यादा होंगी है वो भी कोलन कैंसर की तरफ। किसान की आमदन घट होंगी है, वो कहना जिनी फसल हो जाए चंगा है मन के ला जाए भी यहाँ चंगा होंगे तो मैं होर कर लूँ, वो करके नुकसान हो जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए बुलाया कि आज बीएल के हॉस्पिटल दिल्ली का और दीप हॉस्पिटल लुधियाना ने एक कोलैबोरेटिव शुरू एफर्ट शुरू की है कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर की जो बीमारियों के लिए एक क्लिनिक शुरू किया है जो रेगुलर महीने में एक दिन किया जाएगा। दिल्ली से डॉक्टर आएंगे और मरीजों को देखेंगे और एडवाइस करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पंजाब में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लिवर की बीमारियाँ, चाहे वो शराब से हैं, चाहे वो मोटापे से हैं, चाहे हेपेटाइटिस सी से हैं या खाने पीने की बदपरहेजी से हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और उनको सही गाइडेंस मिल सके और उनको सही एडवाइस मिल सके और उनको सही इलाज हो सके। और इसके साथ साथ और भी एक एफर्ट करेंगे कोलैबोरेशन में कि कोई हेल्थ गाइड लोगों को गाइडेंस दे सके कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, और साथ के साथ एक फ्री कैंप्स कर कि उनको हम कुछ वायरस जो हेपेटाइटिस सी है बी उनको जल्दी पकड़ पाएँ और उनका जल्दी इलाज कर पाएँ, पेट के कैंसर्स जो हैं उनको जल्दी डायग्नोज कर सकें और इलाज कर सकें। इस सब की भी एफर्ट इस कोलैबोरेटिव एफर्ट में शामिल होगी। कैंसर का देखो ऐसा है कि फूड पाइप का मुंह से लेकर इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक के कैंसर बहुत होते हैं, इनको जल्दी पकड़ लेना ही उसका इलाज का संभव करता है। उसके लिए अगर जैसे किसी को ब्लीडिंग होती है रेक्टम से,
लैट्रिन के रास्ते से खून कम होता है, वेट कम होता है, भूख कम होती है, और जो अनएक्सप्लेन्ड है तो उसमें सबसे कॉमन कारण एक पेट के और आंत्रियों के कैंसर्स की बात होती है, और साथ साथ इसमें लिवर के कैंसर, स्पेशली जो लिवर सिरोसिस जिनको होता है उनके लिवर का कैंसर, जिनको पीलिया होता है, कई पीलिए, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास के कैंसर। तो जल्दी से इसको वार्निंग साइंस को पिक करना और उनका डायग्नोस करना, एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करके और उसका इलाज करना, एक यही उसका मात्र साधन है। और इसके लिए बार बार उसी बात पर आती है कि जल्दी डायग्नोस और जल्दी इलाज, क्योंकि एक बार डिजीज एडवांस हो जाती है तो ना ही उसका इलाज हो पाता है और ना ही हम उसका कुछ और पालन कर सकते। खास तौर पर लुधियाना के लोगों को क्या मैसेज देना चाहूंगा? पेट की कोई भी बीमारी हो और लिवर की कोई भी बीमारी हो, आई थिंक ध्यान रखना प्रॉपर लाइफस्टाइल पर, प्रॉपर खाने पर, व्यायाम पर, और कोई भी नशा पालन पर, इन सबको एक ध्यान में रखकर बैलेंस लाइफ लीड करना ही सबसे अच्छी चीज है। तो दोस्तों ये था हमारा खास न्यूज बुलेटिन। आने वाले टाइम में आपको और भी खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए वॉइस ऑफ एशियंस के साथ। नमस्कार। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। रोजा।